चाहे उन्हें घर जाने के लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। आजादपुर मंडी में ही हमें एक और ट्रक वाले के बारे में पता चला। ये ट्रक वाला वैसे तो एक शहर से दूसरे शहर सब्जी और फलों की ढुलाई करता है, लेकिन आजकल मजदूरों की ढुलाई कर रहा है। कैसे ये मजदूरों को दिल्ली से झारखंड तक पहुंचा रहा है वो आप ही देखिए। मजदूर ट्रक के केबिन के छत पर लेट जाते हैं और ये उन्हें दिल्ली से झारखंड पहुंचा देता है। पहले कैसे लेके गए थे आप? पहले गए थे ऊपर लेटा के गए थे। कहाँ पर, कहाँ ले गए थे? बरही। बरही कहाँ पड़ता है? बरही झारखंड। इस ट्रक वाले ने आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर से ये कहा कि वो उन्हें भी कोलकाता तक छोड़ सकता है। भाई देखो, सात लोग हैं हमारे, सात लोगों के कितने में? हमने आपसे प्रति आदमी 3500 रुपए बोला था। सारे आदमी जो हैं तो कलकत्ते ही जाएंगे ना? हाँ, सारे कलकत्ते। देखो, अपने बंदे को आप समझा देना, वहाँ पे आराम से मोबाइल अपना स्विच ऑफ करके लेट जाए, कोई दिक्कत। मोबाइल क्यों स्विच ऑफ करना है? साइलेंट पता लगे, साइलेंट कर देंगे, पता लगेगा कि बैरियर लगा है, उनका मोबाइल उधर चिल्लाने लगा, पुलिस वाला बोल दिया अबे मोबाइल ऊपर कहाँ से चिल्ला रहा है, रास्ते में कहीं फंसे हुए संग ना। तो सुना आपने किस तरह से ट्रक वाले मजदूरों को खुफिया तरीके जाने के लिए तैयार है। कितने लोग, चाहे वो दिल्ली से बिहार हो या झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल, ट्रक वाले पैसे लेकर कहीं भी पहुँचाने के लिए राजी है। मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। विपदा की घड़ी में भी कुछ लोग पैसे उगाही की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। तस्वीरें आपने देखी जो अपने आप में चिंता पैदा करने वाली हैं। इसी के साथ ही छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। आटा गूंदना सीख गए तो रोटी बनाकर रुको मत, जरा बेसन से हाथ मिलाओ, तरह तरह के पकोड़े बनाओ, बस रुकना। हम भी कहां सिर्फ तेल तक रुके, तेल से लेकर दाल चावल आटा बेसन सोया बड़ी और बहुत कुछ। आपका वही फॉर्च्यून, अब एक नए अवतार फॉर्च्यून। घर का खाना घर का खाना होता है। हर खबर के कई चेहरे, कुछ सफेद कुछ स्याह, कुछ हल्के कुछ गहरे, हर खबर की तह तक आपको ले जाता है दस्तक। आपका दस्तक रात 10 बजे हर रोज सिर्फ आज तक पर। औरैया के हादसे में बिहार के कुछ मजदूरों की भी मौत हुई है, इससे बिहार सरकार बेहद खफा है। बिहार के श्रम मंत्री ने चेतावनी दी है कि भविष्य में बिहारी मजदूरों का दूसरे राज्यों में भेजना मुश्किल हो सकता है। मंत्री ने खासतौर पर दिल्ली और मुंबई में मजदूरों को उचित सुविधा न मिलने का आरोप लगाया है। औरैया में सड़क हादसे में बिहार के मजदूरों की मौत हुई और पटना से दिल्ली और महाराष्ट्र पर बरस पड़े बिहार के श्रम मंत्री। बिहार के श्रम मंत्री ने दिल्ली और महाराष्ट्र से